नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम लोग लेक सिटी मॉल के बाहर आए हुए हैं, जहां का दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से भ्रष्टाचार के बेल्ट एक रोड और यहां पर चढ़ी। रोड पूरी धस चुकी है, नाला यहां बाहर आ चुका है और इस नाले के को लोगों से बचाने के लिए, लोग इसमें गिरे नहीं उससे बचाने के लिए, एक व्यक्ति ने जब यहाँ पर प्रयास करा तो उसी का चालान पुलिस वालों ने काट दिया। भाई साहब कई हो पूरा मामलो? दो घंटे पहले हम वहाँ पे सब टेम्पू वाले बैठे हुए थे, भाई साहब साइड में टेम्पू साइड में लगा हुआ था, तो हमने देखा नीचे धीरे धीरे जमीन घुस रही है, तो हमने देखा वहाँ पे बैरिकेड ला के वहाँ से कटवा के इधर लगा देंगे। यहाँ पे लगा दिया बैरिकेड, लगा के यहाँ पे खड़े हो गए। हमने देखा कोई वापस कोई घुसे नहीं, तो बैरिकेड का ध्यान मेरा आके चालान वो के नहीं, चालान तो काटना पड़ेगा अभी। कहाँ चालान, कहाँ ये ना चालान में? अरे यार, ये तो थानेदार बहुत भारी लपड़ पड़ गयो नहीं यार। भाई साहब कहीं करा, अभी माँ कन्ने कंडे आके बोल सका, अब आपने अटे माइक पे बोल रहा वो भी बड़ी बात है जी, क्योंकि ये चालान काटो है। अभी कई बात नहीं, जो अपने नहीं थोड़ो का अपने मंजू कोई आदमी बच गयो वो बड़ी भारी बात है। तो जो लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे थे बचाने का, उन्हें ही चालान यहाँ पर जमा कराना पड़ रहा है, पुलिस के द्वारा चालान उनका काट दिया गया। और मुख्य बात आपको बता दें, कैमरामैन, मैं चाहूंगा कि आप उस तरफ फोकस करें, महापौर जी का मकान ठीक 100 कदम दूर यहाँ से, उसके बावजूद शहर की सड़कों के इस तरह के हालात, निगम के पहले व्यक्ति हैं आप, उदयपुर शहर के महापौर हैं आप, आपके घर के बाहर इस तरह के हालात यहाँ पर होना यह काफी गंभीर और शोचनीय विषय है। ताजा तरीन स्थिति और दिखा रहे, रोड लगातार यहाँ पर दस्ती जा रही है कि किस तरह से भ्रष्टाचार कामों में यहाँ पर किया गया है, यह बहुत ही गंभीर विषय है। उदयपुर वासी आप भी सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि इस बोर्ड पर अब किसी को भरोसा और एतबार नहीं रहा, उनके भ्रष्टाचार इस तरह से हावी रहा उनके कामों के ऊपर के आप देख सकते हैं कि रोड यहां पर धस रहे हैं, लोग काफी परेशान हैं। अभी हाल ही में हमने थोड़े दिन पूर्व देखा था कि इसी मार्ग पर सजावट टेन की तरफ आगे की तरफ एक रोड एक बार यहां पर और धसा था, और लगातार इस पूरी रोड पर इस तरह के जो घटना यहां पर हो रही है उससे पूरा शहर स्तब्ध है। महापौर साहब स्वयं इंजीनियर हैं और इंजीनियर होने की वजह से ही उन्हें शहर का महापौर बनाया गया था, पर उनकी इंजीनियरिंग का सबूत आप यहाँ देखिए कि उनकी बेहतरीन इंजीनियरिंग का सबूत आप देखें कि रोड यहाँ पर लगातार गिर रही है। और उदयपुर शहर के लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यह है कि एलिवेटेड रोड भी यही इंजीनियर महापौर साहब बनाने जा रहे हैं, क्या वो टिकेगी या नहीं, यह शोचनीय विषय है। पर इंतजार कर रहे हैं कि लाइव सड़क धसने का, यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब कितना इंतजार कर रहे हैं भैया? हम तो देख रहे हैं जिस प्रकार इतने करोड़ों रुपए बना के ये नाला बनाया है, और इसी प्रकार निगम ने जो देख रहे भ्रष्टाचार किस प्रकार आपके सामने ही दिखाया जा रहा है, पर जनताओं को कोई जनहानि नहीं हुई। हम तो यही चाहते हैं कि जिस प्रकार ये टूटा है इसका वापिस से पंडित कहने हानि भेजा जाए, पछे रोवा कहीं? नहीं नहीं नहीं, पहले बचाना पड़ेगा नहीं भाई साहब, अगर अली प्रकार ये तो बचाया गया था, चालान कट गया। अब कहीं करा, अभी किस्मत ही ऐसी लिखी थी कि कंड वंचावा चक्कर में अभी खाड़ा में कुर्ती गया, तो अपने वजू हो रुपये कोई वंची क्यों तो बढ़िया एक हिसाब है, अपने वजू कोई वंची क्यों, अपना अपना नुकसान 200-400 रुपये होगा, पर कंडो ज्यादा हानि तो नहीं हुई। और मैंने तो साहब गाड़ी आपके सामने यहाँ रोकी और ये खड्डा हो गया, और वहाँ रोकी और आपके सामने ये दूसरा भी हो रहा, नहीं तो अभी मैं भी आपको यहाँ पड़ा मिलता और आप मेरी न्यूज बनाते। कोई बात करो, हाँ बिल्कुल, कोला पे साहब, और ये देखते देखते आपके सामने नाम नहीं है, मेरा नाम सोहेल खान है। सोहेल खान साहब, थानी राशि सही चल रही है बार थाने भी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा काम, ये तो अभी इसमें बड़े मिलते हैं आपको जी, ये अभी फर्स्ट तो सामने हुआ है, अभी इधर से हमारी आंखों के सामने घटनाक्रम हुआ। आप उन भ्रष्टाचारियों से क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने रोड बनाई है? उनसे कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप तो वोट लो बस धर्म के नाम पे, और काम मत करो, काम मत करो धर्म के नाम पे, वोट लो भाई साहब। थाने कोई टेंशन भी नहीं, कहीं टेंशन नहीं है, अभी लगाए वास्ते खड़े हो गए, ये 10 महीने चालान काटते के नहीं काटे, सही बात है, तो पूछो हम अपन चालान काट दिया, हां बैरिकेड लगाए होते लगाए। भैया मेरा तो यही कहना, जिन्होंने भी ये जो भी निगम ने जिनको ये काम सौंपा है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनसे हर्जाना वसूला जाए, जो जनताओं का पैसा जिस प्रकार से ये व्यर्थ जा रहा है और उसको बचाया जाए।
अन्य तो नाम है घात दो तो पड़ जाएगा, बिल्कुल 100%। ये तो भाई साहब ठीक है, कोई कोई बड़ी ट्रक वगैरह नहीं है, तो कोई भारी नुकसान भेजा तो कुल मिला। तो वाकई में बहुत सोचनीय विषय यह है कि अगर यहाँ पर कोई जनहानि यहाँ पर होती और कोई नुकसान यहाँ पर हो जाता, उसकी जवाबदारी किसकी होती। तो आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवा।